पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हासिल वाली जमा कैसे होती है, जिसमें हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा की नहीं, इकाई और दहाई की अददों की जमा की थी, है ना। अब हम सैकड़े की भी जमा करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास में एक अदद है, इकाई के मुकाम पर हमने दो लिया, दहाई के मुकाम पे हमने लिया है चार और दो। आप बता सकते हो ये अदद कितना है? 242। वेरी गुड। इसके बाद हम लेंगे तीन, पाँच और ये तीन, है ना। ये कितना हो गया? 353, है ना। अब इसमें हमें अब इसको हमें जमा करना है ना। सो इकाई के मुकाम पर कितने हैं? दो और तीन। दो और तीन कितने होते हैं? पाँच। अब दहाई के मुकाम की जमा करो, पाँच और चार नौ। वेरी गुड, ठीक है। अब सैकड़ा के मुकाम पे दो और तीन पाँच। तो हमारी जमा कितनी आई? 500 कितनी हो गई? 595। कितनी? 595, यानी 242 और 353 मिला के कितने होते हैं? 595। कितने? 595, ठीक है। अब इस तरीके से हम देखेंगे कि आड़ी तरतीब और खड़ी तरतीब में जमा कैसे करते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो हमारे पास में ये अदद है, 119, और ये अदद है 212। अब ये आड़ी तरतीब में दिया हुआ है ना। हमें आड़ी तरतीब और खड़ी तरतीब सीखना है, ठीक है। तो इसको खड़ी तरतीब में हम कैसे करेंगे? जैसे कि हमने अभी तक किया है, ठीक है। हाँ, हमने एक बॉक्स बनाया था और उसमें हमने ये हल किया था, ठीक है। अब सबसे पहला अदद लिखेंगे, हाँ, 119, और ये कितना है? 212, ठीक है। अब इनकी जमा करते हैं, ठीक है। दो और नौ कितने होते हैं? हमने देखा था 11। सो 11 में से यानी कितनी इकाइयाँ? 11 इकाइयाँ। सो तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? एक। और 11 में से जो एक दहाई बचता है वो कहाँ जाएगा? दहाई के मुकाम पे जाएगा, है ना। इसको दहाई के मुकाम पे लिखेंगे, जैसा कि हमने पिछले हिस्से में सीखा था। अब इन दहाइयों की जमा करेंगे कैसे? एक, दो और ये तीन। तो ये कितने हो गए? तीन, है ना। अब एक सैकड़ा और दो सैकड़ा, इनकी जमा करेंगे, कितने हुए? तीन सैकड़ा। शाबाश, 331। तो इस तरीके से आड़ी तरतीब को हमने खड़ी तरतीब में जमा किया। समझ में आया सबके? शाबाश।